मेल मिण्या को खटकी खटक पहचाने है। मूर्ख मानस धर्म के राम पाप का तंबू ताने है। सही कविता बनिया करे जब सुरत काफी छाने है। विकास कहे आनंद पद ने कोई जान नहीं जाने है। जिका लग बाण ठिकाने है वो थमे तभी नहीं थमे। मंत्र में लो लीन धरू जू तिल के अंदर तेल रहो। वहीं जंगल में आसन लागे बैठ जाता के भजन में बैठा रहा लगा रहा। हर शरीर से तरंगे निकलती, हर शरीर से तरंगे निकलती हैं। वो तरंगे प्रकृति में घुड़ती हैं। प्रकृति आपकी दास है, वो आपके लिए रास्ते बनाती। आज धार लो चाहे न्यू सोच लो ले चोर बनूंगा, चोरी करूंगा। एक सांस पैम बना ले वह चोरी करूं, चोरी करिया करूंगा, चोर बनूंगा। एक सांस पैम बना ले 41 दिन का टाइम संत लोग न्यू कहे हैं। अगर आपका समर्पण पूरा है 40-41 दिन भीतर चोर टकरा जाएगा। उसे साथी हो जाएंगे, उसे बात करनी आ जाएंगे, उसे राह दिखानी आ जाएंगे, चोर आए कहने हो जाएगा। क्यों? क्योंकि प्रकृति ने आपके लिए रास्ता बनाया। शरीर से जिस तरंग लकड़ेंगे उसे राह बनना शुरू हो जाएगा। उसका तो उस विष्णु जी का वैराग था। ये कहते हैं लगा रहा बैठा रहा। और एक बदनी को है इंदर भी घबरा गया था कि यो कौन बैठा था भाई, यो करेगा गड़बड़। अगन देवता को भी भेजा, अगन देवता को भेजा कि उसका चुगरता आग बाल दे, बालक से उठ गए तो भाग जाएगा। अगन देवता अपना घेरा छोटा करता लिया, समेटता लिया, उसके नजदीक आया। अगन देवता की हिम्मत नहीं हुई कि वो ध्रुव तक चला जाए। क्यों? क्योंकि ये जो द्वादश मंत्र का मंत्र जो नारद जी ने ध्रुव को बताया था, न्यू कहे इसमें इतना तेज होता है कि अग्नि से भी ज्यादा तेज इस मंत्र जपने वाले में हो जाता है। अगन देवता ने भी जाके इंद्र तन्यू कह दी उसका मैं भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मेरे से ज्यादा तप, मेरे से ज्यादा तपत तेज अब फिलहाल ध्रुव के अंदर है, मैं उसके नजदीक भी नहीं जा सकता। कैसे उसने भजन किया और कैसे विष्णु भगवान ने उसको दर्शन दिए और जो उसकी जद थी उसको अपनी गोदी में बैठाया और विष्णु जी की ध्रुव की बातचीत हुई। क्या लिखा है, क्या दर्शा है? बचपन के मा और कमल नैन ने दर्शन दे के कर दिया अटल गगन के दर्शन देख कर दिया डल भजन करया बचपन के महा। फिर कमल नयन ने दर्शन दे को कर दिया अटल गगन के महा। न्यू कहे हैं उसी जंगल में विष्णु जी ने ध्रुव को दर्शन दिए। इतना चांदना हो गया उसकी आंख चुंदी आ गई। एक तो वो समझ नहीं सका और फिर जब ज्ञान होया कि खुद विष्णु जी आए। क्या नजारा, क्या देखा। ले गया
वसुदेव चांदना ये जंगल के माँ खेल गया पहले मत्ता कुछ समझ सकिया ना वो पाछे आप संभल गया नमन दुरु तेरी भक्ति ने खुद आकर लोकी ले गया नमन दुरु चाहिए जिसे भगवान दूध पिठाए
बार धन्यवाद धन्यवाद। और नितिन सोनी साहब 200 रुपए आश्रम में और 100 रुपए पार्टी को, गुलशन शर्मा जी 100 रुपए आश्रम में, बार बार धन्यवाद धन्यवाद। आखिरी कली बची और कति समझण की सीधी सीधी बात से, विष्णु जी की गोदी के मां बैठ धरूं मुस्काए रहे, देवलोक में खड़े देवता हंस के फूल बगाए रहे, फिर हंस के नारायण बोलो बोले मांगो जो कुछ चाहे रहे, ध्रुव कहे उसे क्या चाहिए जिसे भगवान गोद बिठाए रहे, मेरा ठिकाना मिला मन मैं फंसू नहीं उलझन का मां, कमल नयन ने दर्शन देकर कर दिया अटल गगन का मां। देखिए इतना भजन करे पाछे भी विष्णु जी ने क्या कहा, निबले भाई न्यू बात बने कोन्या, और जिस लगन से तने मेरे को ढूंढ लिया, मेरे को यहां मृतलोक माने के लिए मजबूर कर दिया, इतनी सच्चाई से इतनी लगन से जो कर्म जमा है वे सारे काट दे और जा, सदा सदा तक तेरा नक्षत्र में वास होगा, ध्रुव लोक सदा सदा तक तेरा होगा। आज भी न्यू कह है वो ध्रुव तारा सारे तारे अम्यारा चमक है, आज भी चमकज है नक्षत्र में, आज भी उसका वास है। सजनो भक्ति दो प्रकार की होती, एक भक्ति होती है स्वर्ग के लिए, एक भक्ति होती है मोक्ष के लिए, और दोनों भक्ति दोनों का रिजल्ट में और भक्ति में जमीन और आसमान का अंतर है। चाहे किसी की भक्ति कर लो स्वर्ग मिल सकता है मोक्ष नहीं मिलेगा, मोक्ष कैसे मिलेगा, चाहे किसी की भक्ति कर लो पर वो निष्काम भक्ति करनी पड़ेगी, निष्काम कर्म करना पड़ेगा। जब आपका अगर आपके अच्छे कर्म जमा तो वे भोगण भी आना पड़ेगा, स्वर्ग भोग लियो, स्वर्ग नरक न्यून आ सकी तो धुआं उठता पाओगा, देवता घोड़े पाओगा, सोने का मुकुट बांधे आओगा कि तो न्यारा स्वर्ग से ना, और नरक भी न्यून आ सकी तम तेल के कढ़ाई बोला है बोले मानस थराई कर कर डेगा है, ऐसा कुछ नहीं है। यही है स्वर्ग यही है नरक। क्या है स्वर्ग, संस्कारी माँ बाप हो, धन माया की मौज हो, स्वस्थ शरीर हो, आगे संस्कारी संतान हो, ये स्वर्ग। किसी का उठते हैं घेड़ा बाजन लाकर है, उठते हैं शील तोड़ के कुरुड़ा कर बैठते हैं लागे है घेड़ा बाजन गाड़े देता सो जाए कुंबा, कोई अंग हीन पैदा हो से, ये सब नरक की निशानी, ये सब नरक आ रहे है। अच्छे कर्म जमा होंगे भोगन आना पड़ेगा, भूंडे जमा होंगे भोगन आना पड़ेगा नरक, अच्छे जमा होंगे भोगन आना पड़ेगा स्वर्ग। मोक्ष कब होगा, जब ना अच्छे जमा है ना भूंडे जमा है, जिसका कोई रिजल्ट बकाया नहीं वो आत्मा जाके सीधी परमात्मा, उसका मोक्ष होता है, वो दोबारा नहीं आती है। यहाँ विष्णु जी ने ध्रुव को भी कहा निवले बन्यु करना पड़ेगा, तेरे बाप का राज संभाल और न्याय पर आधारित राज स्थापित कर, इस दुनिया में न्याय की शाखा चला और फिर तेरा स्थान उड़ बनेगा। कड़े क्या कहा, सदा तक विकास कहे मैं लख दूं